कि ये परफेक्ट स्क्वायर किस तरीके से बनाते हैं हम थोड़ा सा यहाँ देखने वाले हैं। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूं मैं, ओ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। मैंने आपको दो ही काम बोला है कि पहला काम है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को वन करना, फिर दूसरा काम बोला है एक्स के कोएफिशिएंट को आधा करना। क्या करना? आधा करना। हाँ जी, तो यहाँ हम इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपका, यहाँ ए है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्व टू जीरो। थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्व टू जीरो। जो ये बाहर जीरो ए था आपका, उसको हमने जीरो की तरफ डिवाइड मार दिए हैं। अब क्या होगा, आप अब क्या करोगे, आप यहाँ एक्स लिख दीजिएगा, प्लस है तो प्लस लगा दीजिएगा। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी बाई ए, तो बी बाई ए का आधा करेंगे तो यह हो जाएगा बी बाई टू ए, बी बाई टू ए, तो यहाँ लगा दीजिएगा बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। फिर मैंने बोला है यहाँ लिख दीजिएगा बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। आगे आपके पास है सी बाई ए इक्व टू जीरो। थोड़ा सा किसको सोल्व किया जाएगा तो क्या बनेगा, थोड़ा सा किसको सोल्व किया जाएगा तो बनेगा एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। हाँ जी, और ये बनेगा माइनस का बी स्क्वायर फोर फोर ए स्क्वायर। और यहाँ प्लस, मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि नीचे वाला एलसीएम पहले ही बना लीजिएगा, तो मैं यहाँ फोर ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सी यहाँ है तो नीचे भी फोर इससे मल्टीप्लाई करूंगा और ए यहां है, तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए, यहां हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी, कोष्टक में ले लेंगे तो नीचे बचेगा फोर ए स्क्वायर इक्व टू जीरो। हाँ जी, यहां तक कोई समस्या है तो बोलिएगा भाई आप। यहाँ कोई समस्या नहीं है तो आगे चलते हैं। दुनिया वाले क्या लिखते हैं इसको, दुनिया वाले लिखते हैं एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। और यहाँ थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे तो इजी बन जाएगा। हाँ, इसको इस ऊपर वाले को दुनिया वाले लिखते हैं डी, जिसको हिंदी में विविकर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विविकर्त बोला जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा डी बाई फोर ए स्क्वायर। और इतनी बात बता दीजिएगा कि मैं इसका इधर स्क्वायर रखाऊंगा तो ये बनेगा एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्व टू प्लस माइनस रूट डी बाई, इसके पूरे के ही रूट लेते हैं पहले, डी अपॉन फोर ए स्क्वायर। अब सोल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्व टू प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। हाँ जी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्व टू इधर आएगा तो माइनस का बी अपॉन टू ए प्लस माइनस रूट डी बाई टू ए। तो अक्स आ जाएगा आपका अक्स इक्व टू टू ए माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी। हाँ जी, ये आपका अक्स आ गए हैं। और अक्स की दो वैल्यू कौन कौन सी हो गई है, अक्स के दो रूट हो गए हैं, एक अक्स इक्व टू
माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए, और दूसरा हो गया है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए। हाँ जी, ये इनके रूट है, जिसको बोला जाता है अल्फा, इसको बोला जाता है बीटा। किसी को भी उल्टा सुल्टा भी बोल सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपकी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट किस तरीके से निकाला जाता है, 10th क्लास में हमें डायरेक्ट बोला जाता है कि इस तरीके से रूट फाइंड किया जाता है, लेकिन रूट फाइंड करने का ये एक तरीका है।